गाइस आज के टाइम पे निशा गुड़गन को कौन नहीं जानता। अगर आप एक रेगुलर सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपने निशा का वीडियो एक ना एक बार तो सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। निशा टिकटॉक की सबसे फेमस क्रिएटर में से एक है। निशा को पॉपुलरिटी टिकटॉक से मिला है। निशा का टिकटॉक पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जो था मुझे याद है आता तेरी वो नजरें मिलाना। इस सॉन्ग पर उनका 2.5 मिलियन के करीब करीब लाइक्स आए थे। जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तब उनका 28 मिलियन के करीब करीब फॉलोअर्स हो गए थे। और अभी के टाइम पे निशा MX टकाटक और इंस्टाग्राम के रील्स पर वीडियोस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा निशा का एक MMS वीडियो वायरल हुआ था जिसके वजह से वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। निशा अभी के टाइम पे रील्स की एक पॉपुलर क्रिएटर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल निशा गुड़गन की लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी के बारे में। साथ ही आज जानेंगे निशा की MMS की पूरी सच्चाई। इसी के साथ साथ जानेंगे निशा की जिंदगी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बातें। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामना है। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भूखी रह सकती हूँ, प्यासी भी रह सकती हूँ, लेकिन चुप। उनका फुल नेम है निशा गुड़गन। उनका निकनेम है एंजल निशु। उनका जन्म 1 अक्टूबर साल 1997 को नेपाल इंडिया में हुआ। फिलहाल निशा का उम्र है 25 साल। निशा बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। इसी के साथ साथ उनको डांस के भी काफी शौक था। निशा सबसे ज्यादा प्यार अपने पेरेंट्स से करती है। निशा ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। निशा ने कभी नहीं सोचा था क्योंकि एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगे या फिर एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। जब इन्हें टिकटॉक ट्रेंड कर रहा था तो निशा ने भी सोचा कि ना मैं भी टिकटॉक पर वीडियोस क्रिएट करूं। फिर उन्होंने डांस और लिपसन वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दिया था। निशा के घर वाले निशा को बहुत सपोर्ट कर रहे थे इसलिए उनको किसी ने नहीं रोका। निशा के शुरुआती टिकटॉक वीडियोस पर व्यूज और लाइक्स बिल्कुल नहीं आते थे, बट निशा ने हार नहीं माना और वीडियो डालती गई क्योंकि उनको अच्छा लगता था। और फिर एक दिन उनका एक सॉन्ग पर वीडियो वायरल हो गया जो था मुझे याद है आता तेरी वो नजरें मिलाना। इस सॉन्ग को लोगों ने काफी पसंद किया। इसमें उनका क्यूट एक्सप्रेशन और ब्यूटीफुल स्माइल ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। और कब 1000 फॉलोअर्स से लाखों फॉलोअर्स पर पहुंच गए ये तो उनको खुद भी नहीं पता। निशा ने एक साल के अंदर 18 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हासिल किया था जो एक रिकॉर्ड है। और बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में भी काम किया उन्होंने। टिकटॉक बैन होने के बाद निशा बहुत डिप्रेस होने लगी क्योंकि इतना मेहनत से उन्होंने इतना फॉलोअर्स हासिल किया था। और फिर जब इंस्टाग्राम ने रील्स का भी चैलेंज किया तो निशा रील्स पर वीडियो डालने लगी। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पर उनका 8.5 मिलियन के करीब करीब फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा निशा का एक YouTube चैनल भी है जहाँ पर व्लॉग वीडियोस अपलोड करती हैं। और अभी के टाइम पे उनके YouTube पर 55K के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। गाइस अब बात करते हैं निशा के वायरल MMS के बारे में। निशा का जब वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने बोला कि निशा पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो को लीक किया उन्होंने। गाइस अगर उनको पब्लिसिटी चाहिए थी तो फेमस होने से पहले इस वीडियो को लीक करती, मगर जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ निशा ऑलरेडी फेमस हो गई थी। ये वीडियो था निशा और उनका बॉयफ्रेंड रमजान की MMS वीडियो जो काफी तेजी से टिकटॉक और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था। फिर और क्या था, हेड कमेंट और रेप थॉट जैसे प्रकार से उनको ट्रोल करने लगे सब। वीडियो 19 जून 2020 को वायरल हुआ था और उसी दिन निशा लाइव आकर क्या बोली ये हम आपको दिखाते हैं। और जिसने भी ये किया है आई थिंक उसके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं अभी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा मुझे समझो। मैं चाहती हूँ मेरी फीलिंग समझो, जिस सिचुएशन पे मैं हूँ मेरी जगह पे आके देखो कि मुझे कैसा लग रहा है एंड रिपोर्ट करो। अगर बिलीव करते हो मुझ पे तो, अदरवाइज मैं इतना कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस हूँ एंड थोड़ा डिप्रेस भी हूँ क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। एक लड़की की पूरी लाइफ खराब हो सकती है इस चीज से, तो आप लोग सोच समझ के करना। मैं चाहती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो। निशा ने सबसे हाथ जोड़कर बोली प्लीज इस वीडियो को शेयर मत करें। और निशा ने मान लिया था कि वीडियो उनका खुद का है। निशा ने गलती से इस वीडियो को स्नैपचैट की स्टोरीज पर पोस्ट कर दिया था और किसी ने उसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दिया था। निशा खूबसूरत होने के साथ साथ एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। उनके पास एक डॉग है जिसका नाम लियो है। निशा अभी ज़्यादातर UAE में रहती हैं। नेशनल शो एक इंडियन है, उनके रिलीजन है हिंदुज़म। उनका हाइट है 5 feet 5 inches, वेट है 55 kg अप्रॉक्स, बॉडी टाइप है स्लिम। उनका आई कलर ब्लैक, हेयर कलर डार्क ब्राउन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। उनका बॉयफ्रेंड है रमजान कुत्ते। निशा का मंथली इनकम 2 से 3 लाख हो जाता है और उनका नेटवर्थ है 80 से 90 लाख रुपए। निशा को जिम और वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है। निशा एक बार केदारनाथ भी गई है। निशा की क्लोज फ्रेंड है सना खान जो एक टिकटॉक स्टार है। गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द पहुंच सके।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरी आंखों में देखो, ये रात कितनी खामोश है ना, शोर करें।